हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुम्पास रसोई। तो आज मैं एक बहुत स्पेनिश रेसिपी है, ये बहुत एक डिज़र्ट है, बहुत टेस्टी होता है और बहुत सिंपल है, प्योर भेज रेसिपी है। तो मुंह में देते ही मेल्ट हो जाता है, इतना अच्छा है, बहुत टेस्टी, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे पता है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए। इसका नाम है फ्राइड मिल्क, मिल्क को फ्राई करना होता है। कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं रेसिपी को। उससे पहले मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर करना और कमेंट करना। तो चलिए देखते हैं रेसिपी को। हमें चाहिए 400 ml मिल्क, दूध, और ये है लेमन का छिलका, नींबू का छिलका। आप मौसम्बी का भी ले सकते हैं, ये नींबू का छिलका है, पतला पतला काट के छीलना पड़ता है, लेमन जेस्ट भी कहा कहते हैं इसे। और ये है दालचीनी का एक टुकड़ा, ये है कॉर्नफ्लावर 5 to 6 टेबलस्पून, चीनी 5 to 6 टेबलस्पून। अब इस कॉर्नफ्लावर को दूध के साथ एक पतला सा थिन पेस्ट बनाना है हमें। दूध के साथ मैंने 5 to 6 टेबलस्पून दूध दिया है, डाला है इसमें, और देखिए पतला सा एक बैटर घोल लीजिए। ऐसे अच्छे से मिक्स करना है, गुठलियाँ नहीं होना चाहिए, एकदम पतला सा थिन बैटर हो गया। अब इसे मैंने थोड़ा और ऐड किया है कॉर्नफ्लावर, मेरा 400 ml दूध है इसलिए मुझे थोड़ा और चाहिए, तो 5-6 टेबल स्पून इनफ है 400 ml के लिए। 30 ग्राम कॉर्नफ्लावर लेंगे तो आपका हो जाएगा, और ज़्यादा दूध होंगी तो ज़्यादा कॉर्नफ्लावर। बटर है 3 टीस्पून, 3 क्यूब भी ले सकते हैं आप। एक पैन में मैं ये मिल्क को, दूध को डाल देना है हमें। मैंने डाल दिया, गैस मेरा ऑन है। दूध जब थोड़ा बॉयल होना शुरू हो जाए तब इसमें लेमन का जो छिलका और दालचीनी का जो टुकड़ा हमें लिया है उसको डाल देंगे। देखिए मैंने डाल दिया लेमन का छिलका और दालचीनी का वो टुकड़ा, देखिए। अब इसे बॉईल करना है हमें, 2-3 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है। अब इसे बटर डाल देंगे और चीनी भी डाल देंगे, देखिए मैंने चीनी डाल दिया। अच्छे से दूध को मिलाना है, चीनी को घोलने तक अच्छे से बॉईल करना है 5 to 10 मिनट्स, अच्छे से बॉईल करना है मीडियम फ्लेम में। इससे क्या होगा, लेमन का जो छिलका है उसका जो फ्लेवर है सब दूध में चला जाएगा। देखिए मैंने 10 मिनट बाद निकाल लिया सारे छिलके को, और दालचीनी का टुकड़ा को भी मैंने निकाल लिया दूध से। अब अच्छे से मिक्स करके कॉर्नफ्लावर का जो बैटर हमने बनाया था पेस्ट, दूध में धीरे धीरे डालना है, बहुत धीरे धीरे डालना है, और गैस का फ्लेम इस वक्त एकदम लो होना चाहिए। देखिए मेरा एकदम लो है फ्लेम। अब धीरे धीरे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर को डालना है, और डालते ही दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा। देखिए कैसे गाढ़ा हो गया दूध। अब लगातार इसे चलाना है, लगातार चलाना है, नहीं तो नीचे लग जाएगी, और एक बार लग गया तो दूध का जो स्मेल है वो अच्छा नहीं आएगा, इसलिए नीचे से अच्छे से चलाना है। ऐसे एकदम गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, एकदम जेली की टाइप। ये रेसिपी बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी है, एक बार खाएंगे तो आप समझ जाएंगे कितना अच्छा रेसिपी है। देखिए एकदम थिक हो गया, एकदम जेली की टाइप। तीन चार मिनट में बन जाता है कॉर्नफ्लावर डालने के बाद, थोड़ी देर पकाना पड़ता है कॉर्नफ्लावर डालने के बाद। ये मेरा रेडी हो गया, अब इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। मेरा गैस बंद कर दिया, देखिए ऐसी होगी।
एकदम ठीक ठीक अब इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। अब मैंने एक प्लास्टिक का शीट लिया है, आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लिया है मैंने। अब ये बॉक्स में ये प्लास्टिक का शीट मैंने डाल दिया। इसे मिल्क को निकलने में बहुत आसानी होती है। देखिए अब मेरा मिल्क थोड़ा ठंडा हो गया, ज़्यादा ठंडा मत कीजिए, थोड़ा ठंडा कीजिए। अब धीरे धीरे सभी दूध को इसमें डाल दीजिए, एक स्पून की मदद से, चम्मच की मदद से अच्छे से डाल देना है और अच्छे से स्प्रेड करना है, एकदम चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करना है बॉक्स के अंदर। देखिए मैंने कैसे किया है। देखिए अच्छे से चम्मच की मदद से चारों तरफ फैला लीजिए। अब इसे ढककर फ्रीज में 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए। फ्रीजर में मत रखिए, फ्रीज में रखिए। ठंडा 3-4 घंटे के बाद ये एकदम सेट हो जाएगा, एकदम जेली की टाइप हो जाएगी। देखिए अब फ्राई करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम लिया है और ये है ड्राई फ्लावर 1/2 कप मैदा और ये है दालचीनी का पाउडर 1 टीस्पून, ये है कॉर्नफ्लावर 2 टीस्पून और ये पाउडर शुगर, चीनी को पीस लिया है मैंने 2 टेबलस्पून और ये है ऑयल फ्राई करने के लिए। अब मैंने पाउडर जो चीनी है उसमें दालचीनी को मिलाकर एक मिक्स तैयार करना है। ये लास्ट में देना है आपको जब फ्राई हो जाए उसी वक्त। अब इस कॉर्नफ्लावर में मैं थोड़ा मैदा डालूंगी। देखिए मैंने 2-3 टीस्पून मैदा कॉर्नफ्लावर में ऐड किया है और पानी की मदद से एक पतला सा बैटर मैंने घोल दिया है। घोलना है हमें पतला सा बैटर। देखिए अच्छे से मैदा और कॉर्नफ्लावर को मिक्स कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिए और एकदम एक स्मूथ बैटर, डिप करने के लिए जो बैटर हमने फ्राई करने के लिए बनाते हैं उसी तरह का एक बैटर हमें चाहिए। देखिए थिन बैटर मैंने तैयार कर लिया ऐसा। मैंने बॉक्स को फ्रीज से निकाल लिया 4-5 घंटे बाद। देखिए कैसा सेट हो गया, देखिए कितना अच्छा, एकदम स्मूथ। अब इसे कट करना है, मैंने थोड़ा कट कर लिया। देखिए आप जो भी साइज का चाहते हैं ऐसा कट कीजिए, बहुत सॉफ्ट है, धीरे धीरे कट कीजिएगा। देखिए मैंने लंबा लंबा किया है, देखने में अच्छा लगता है ऐसे। देखिए कितना सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, एकदम बहुत टेस्टी है, देखने में भी बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सूखा मैदा हमें चाहिए, सूखा मैदे में इस मिल्क को कोट करेंगे पहले। देखिए ऐसे कोट करना है, देखिए अच्छे से देखिए इस स्टेप को। सूखा मैदे में अच्छे से कोट करने के बाद इस मिल्क को कॉर्नफ्लावर में डिप करना है और उससे निकलकर ब्रेड क्रम में कोट करना है। देखिए ऐसे ब्रेड क्रम लीजिए, ये मेरा होममेड ब्रेड क्रम है, इसका रेसिपी भी मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, देख लेना आप। बहुत इजी है घर में होम ब्रेड क्रम बनाना। देखिए ऐसे कोट करना है हमें मिल्क को, एकदम क्रिस्पी बनेगा, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, मुंह में देते ही मेल्ट हो जाता है, इतना अच्छा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि कैसे बना है। शेयर ज़रूर करना इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। देखिए मैंने सब कर लिया,
अब फ्राई करेंगे। तेल मेरा गरम हो चुका है, अब धीरे धीरे दो दो करके मैं फ्राई करूंगी, ज़्यादा एक बार में ना दे, मेरा कढ़ाई भी छोटा है और ज़्यादा एक बार में ना दे, इससे फ्राई अच्छा नहीं होगा, ऑयल का जो टेम्परेचर है वो कम लो हो जाता है, तो दो दो बा तीन तीन करके ही फ्राई करें आप, एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में, ऐसे घुमा घुमा कर जैसे मैंने किया है, देखिए कितना अच्छा लुक आया है। देखिए इसी तरह मैं सब फ्राई कर लिया, अब इसके ऊपर ये जो पाउडर शुगर और दालचीनी का जो मिक्स बनाया था ये छिड़क दीजिए, कितना सॉफ्ट बना है देखिए, बहुत टेस्टी होता है, देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना बहुत अच्छा दिख रहा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरी रेसिपी को, तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर।